स्थानीय आरटीएम होटल के सभागार में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। प्रांतीय संगठन मंत्री ओम प्रकाश रावत ने परिषद के समस्त नई कार्यकारिणी को पद एवं दायित्व की शपथ दिलाई। परिषद द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थापक सदस्य वरिष्ठ सदस्य व भामाशाहों का सम्मान किया गया। संस्था द्वारा एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। ये एम्बुलेंस बहुत किफ़ायती दरों में लोगों के लिए सेवा के लिए रहेगी। इस प्रकार भामाशाहों की मदद से जल्दी शहर में कुछ स्थानों का चयन कर जल मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान स्थल पर माकूल टीन शेड का निर्माण परिषद के सदस्य राजेश दीवान के सहयोग से करवाने की घोषणा की गई। कोचिंग कक्षाओं के लिए प्रस्तुति पुलकित गुप्ता द्वारा दी गई, जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान संस्था द्वारा निःशुल्क कोडिंग कक्षा चलाई जाएगी। महिला विंग का गठन करते हुए प्रीति बंसल को महिला प्रमुख बनाया गया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसका सभी ने लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के आखिर में सचिव अरविंद शरण बंसल ने सभी आगंतुकों और भामाशाहों का आभार प्रकट किया। मंच संचालन डॉक्टर अरविंद मित्तल एवं बजरंग शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में संस्थापक सदस्य डॉक्टर नरेंद्र गोयल, डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, प्रेम गुप्ता, विनोद गोयल, मुकेश गोयल, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर एस एम यादव, डॉक्टर के एल मीणा, डॉक्टर सुमेर सिंह, डॉक्टर महेंद्र पलसानिया, डॉक्टर दीपक मित्तल, डॉक्टर अरविंद मित्तल, अरविंद शरण बंसल, राजेंद्र अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, नवनीत शर्मा एवं बजरंग शर्मा, शिव प्रकाश शर्मा, भारत बंसल, राकेश दीवान सहित अनेक सदस्यगण सहपरिवार मौजूद रहे। हमें ऊंचा लक्ष्य रखने, कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार फिर आज अपनी प्रस्तुति से हमें अनुभूत करने के धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति हमारे उत्सव में मूल्य जोड़ती है और हम यहाँ आपका स्वागत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आज यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हम अपने भविष्य के प्रयासों में आपके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की आशा करते हैं। धन्यवाद। हमने नहीं सोचा होगा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने होगा, हम उसके साक्षी बनेंगे। हमने भारत में रहते हुए 75 वर्ष से नहीं सोचा होगा कि धारा 370 देश से हट जाएगी, वह हटी है। भारत इतना बुलंदियों पर पहुंचेगा और पूरे विश्व में फिर से जगत गुरु के स्थान पर जाने के लिए उद्यत होगा जा रहा है, ऐसा हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। ऐसा